गोरखपुर में शनिवार को अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जहां सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही सीएम ने मानसरोवर के निर्माणाधीन विकास कार्यों को लेकर औचक निरीक्षण किया, जहां मौके पर सीएम योगी ने अधिकारियों को गुणवत्ता परक और समय से कार्य को पूरा करने का आदेश दिया। वहीं मानसरोवर मंदिर की देखरेख कर रहे लोगों को सीएम योगी ने बताया कि भगवान की मूर्ति किस जगह पर होगी, साथ ही मंदिर को सुंदर और भव्य बनाने के साथ ही सीएम योगी ने बताया कि पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालु को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अक्सर मंदिरों में जब भीड़ बढ़ जाती है तो भीड़ को संभाल पाना मुश्किल होता है। ऐसे में मंदिर निर्माण के वक्त यह देखना जरूरी है ताकि त्योहारों के समय भीड़ बढ़ने पर किस तरह से उसको दूसरी दिशा से बाहर निकाला जा सके। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने मानसरोवर के सौंदर्यीकरण को लेकर करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। मूर्ति ठीक होनी चाहिए, कैसी मूर्ति हो साइज और अच्छी दिखने लायक हो। राधा कृष्ण जी का आपका जो है भगवान राम है, माता सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी राम दरबार में होगा। दुर्गा जी की इसमें जो है शेर कुंडे सवारी दुर्गा की मूर्ति वहाँ पे दुर्गा जी के मंदिर में, और ज्योतिर्लिंग वहाँ पे भगवान शिव की उसमें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस तरीके से करते हैं। इसकी सीढ़ी यहाँ पे आ गई, 6 फुट की सीढ़ी बनी थी, बीच में ही कर जाएगी, ऐसे सीढ़ी कहाँ जाएगी रेलिंग बन जाएगी, बंद हो जाएगी, उसमें रेलिंग एक सिस्टम के साथ आप इसको जोड़ देंगे तो अच्छा रामलीला मैदान चलेंगे। हाँ, रामलीला मैदान में भी काम है, बाकी 2 मिनट देख लीजिए। मिट्टी कैसे इसमें भरेंगे? इसके सर आपने आदेश किया था बिल्कुल पत्थर लगे लेटेस्ट नहीं लगे, मैंने सर कहा कि हाँ लास्ट है सर तो उससे कितना नीचे है भी ये? उसके बाद भी कम से कम सर 12-13 से लगा। आदमी लगा करके इसको 1 महीने के अंदर तैयार करिए, जिससे नवरात्रि में या एक आदि हो सके और विजयादशमी के दिन मूर्ति स्थापित हो, ठीक है। और वैसे ही आप लोग इसकी स्केपिंग वगैरह जो भी करनी है, लैंडस्केपिंग वगैरह जो करनी है, क्या है गोरखपुर जिले का जनवा का जिलाधिकारी गोरखपुर को लिख के देते हैं, इसको इस ढंग से कराएंगे। ये क्या बन रहा है सामने? पंप हाउस है, आप ऐसे बनाए होंगे ना, ना उसके बनाएंगे है वो जो बन रहा है दीवाने इसे फाट रहा है। हाँ तो उनको बता दो ना, जो बना रहे हैं उनको बोलो जल निकम आ लो। ये इसका स्लोप कहाँ जाएगा? ये हाँ तो आ गया, यहाँ पे विजयादशमी के दौरान कार्यक्रम होता है।